मैसेज टू स्टूडेंट डॉट कॉम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैसेज टू स्टूडेंट को कैसे यूज़ करते हैं, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं और किस चीज़ का आपको चार्ज करना है और क्या आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली ये एक फ्री कम्युनिकेशन पोर्टल है जिसमें कि आप कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने स्टूडेंट से थ्रू SMS, ईमेल एंड वॉइस SMS। इसके अलावा आप स्टूडेंट मैनेज कर सकते हैं, कोर्स बैच मैनेज कर सकते हैं, अटेंडेंस ले सकते हैं और आई कार्ड भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। आप साइन अप पे क्लिक कीजिए, इसमें जो भी फील्ड्स हैं आप फिलअप कर लीजिए और अपना नया अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। साइन अप के तुरंत बाद आपको हमारी तरफ से एक ट्रेनिंग कॉल जाएगी जिसमें कि आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो सारे सॉल्व की जाएंगी। अगर आपने ऑलरेडी साइन अप कर लिया है तो आप डायरेक्ट साइन इन पे क्लिक कीजिए। मैं यहाँ पे डेमो अकाउंट से लॉगिन कर रही हूँ। इसका यूज़र नेम है info@messagetostudent.com एंड पासवर्ड hello123। ये एक डेमो अकाउंट है, इसमें आप भी लॉगिन कर सकते हैं, इसके फीचर्स देख सकते हैं। सो ये कुछ मॉड्यूल हैं जो हमारे सॉफ्टवेयर में अवेलेबल हैं। इन्हें 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, स्टूडेंट कम्युनिकेशन, बेसिक सेटिंग्स एंड अकाउंट कॉन्फ़िगरेशन। सो अकाउंट कॉन्फ़िगरेशन में आता है मास्टर सेटअप। मास्टर सेटअप से आप अपने अकाउंट से में जो भी चेंजेस करना चाहते हैं, सपोज आपको लोगो चेंज करना है, आपको अपना इंस्टीट्यूट नेम चेंज करना है, आपको अपने अकाउंट का पासवर्ड चेंज करना है, तो वो सारे चेंजेस आप मास्टर सेटअप से करेंगे। इसके बाद है SMS लॉग। इसमें 90 डेज तक के SMS आप देख सकते हैं, जो भी आपने अपने स्टूडेंट को भेजे हैं, कोई नोटिफिकेशन भेजा है, कोई ऑटोमेटिक रिमाइंडर भी हो गया है, तो 90 डेज तक के आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है रिमाइंडर। रिमाइंडर में आपको ऑटो बर्थडे विशेस का रिमाइंड मिलता है। ये स्टूडेंट को ऑटोमेटिक आपके बिहाफ से उनके बर्थडे पे चला जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंचाइजी मैनेजमेंट। अगर आपके और भी फ्रेंचाइजी हैं और वो हमारा ये सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो आप उनका डेटा यहीं से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, फ्रेंचाइजी लिस्ट एंड फ्रेंचाइजी डेटा। तो फ्रेंचाइजी लिस्ट में जितने भी आपके फ्रेंचाइजी हैं ये उनकी डिटेल आएगी और यहाँ से आप उन्हें चाहें तो नोटिफाई भी कर सकते हैं, उनका डेटा भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको हर एक फ्रेंचाइजी का डेटा देखना है तो आप फ्रेंचाइजी डेटा पर क्लिक कीजिए, अपनी फ्रेंचाइजी सेलेक्ट कीजिए और सो रिपोर्ट। इस फ्रेंचाइजी में जितना भी डेटा होगा वो लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी और आप उसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं एक्सेल शीट में। तो ये तो था फ्रेंचाइजी मॉड्यूल। इसके बाद स्टूडेंट ऐड करने से पहले आपको कुछ बेसिक सेटिंग करनी होगी, लाइक आपको अपना कोर्स ऐड करना होगा जो आप प्रोवाइड करते हैं, फिर उनके बैच क्रिएट करने होंगे। तो सबसे फर्स्ट कोर्स पे क्लिक करते हैं। यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड में आप अपना इंस्टीट्यूट नेम ऐड कर सकते हैं, जैसे हमने किया है माय ओन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पे आपके इंस्टीट्यूट का नाम आ जाएगा। आप ऐड और एडिट पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। फिर जो भी कोर्सेज आप प्रोवाइड करते हैं वन बाय वन सारे कोर्स ऐड कर लीजिए। लिस्ट ऑल कोर्स में आप सारे कोर्स देख सकते हैं, आप चाहे तो उन्हें एडिट कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। कोर्स ऐड करने के बाद अब हमें इनके बैच क्रिएट करने होंगे, वो हम करेंगे बैच इंस्ट्रक्शन मॉड्यूल से। आप सबसे पहले अपने कोर्स को सिलेक्ट कर लीजिए और ऐड बैच पे क्लिक करके आप जितने चाहे उतने बैच क्रिएट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 2 बैच बनाए हैं एंड क्रिएट। तो सारे कोर्सेज के हम वन बाय वन बैच क्रिएट कर लेंगे। देन हो नेक्स्ट है स्टूडेंट। अब आप स्टूडेंट का एडमिशन यहाँ से कर सकते हैं। ये स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म है, आप सारी डिटेल फिलअप कर लीजिए। यहाँ पे दिया गया है बस रूट, तो अगर स्कूल है और बसेस चलती हैं तो यहाँ से आप बस रूट स्टूडेंट के लिए असाइन कर सकते हैं एडमिशन के टाइम पे ही। तो यहाँ पे दिया गया है बस रूट पिकअप। यहाँ पे 2 बस हमने ऐड करी है, Route 1 and Route 2, तो वो आपको पहले बस रूट मॉड्यूल से करनी होगी जो हमने ऑलरेडी की हुई है। तो सपोज हमें बस रूट 1 पे ये स्टूडेंट है, उन्हें हमने रूट 1 असाइन किया है। रूट 1 के अंदर हमने 3 बस स्टॉप ऐड किए हैं, DLF ये तीनों,
अब हमें सिलेक्ट करना है कि किस बस स्टॉप पे हमें इन्हें पिकअप करना है। सेम रूट हम बस सॉरी ड्रॉपअप के लिए भी सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे है कोर्स डिटेल, तो जो भी कोर्स हमने ऐड किए हैं वो लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। अब हमें देखना है ये कोर्स कौन सा कोर्स उन्हें असाइन करना है, किस कोर्स में उन्होंने एडमिशन लिया है। तो सपोज BCA में लिया है, जैसे क्लिक करेंगे वैसे ही जो हमने बैच क्रिएट किए हैं वो लिस्ट भी यहाँ पे आ जाएगी। अब आपको बैच सिलेक्ट करना है कि किस बैच में ये स्टूडेंट है। नेक्स्ट अटैचमेंट, तो स्टूडेंट से रिलेटेड कुछ अटैचमेंट अटैच करके रखना चाह रहे हैं तो वो रख सकते हैं। ऐड मोर फाइल पे क्लिक कीजिए और जितनी चाहे फाइल आप अटैच करके रख सकते हैं। सेंड नोटिफिकेशन, SMS, ईमेल। तो अगर आप चाहते हैं कि जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करें और स्टूडेंट को एडमिशन सक्सेसफुल का SMS मिले तो आप इन्हें टिक कर लीजिए एंड क्रिएट। तो सारे स्टूडेंट ऐड करने के बाद लिस्ट ऑल स्टूडेंट से आप सारे स्टूडेंट की डिटेल देख सकते हैं, यहीं से उन्हें नोटिफाई भी कर सकते हैं। जब सारे स्टूडेंट आप ऐड कर लें उसके बाद टीचर भी आप ऐड कर लीजिए, टीचर डेटा। कभी आपको SMS भेजना हो टीचर को तो यहाँ से हम टीचर ऐड कर लेंगे। लिस्ट ऑल टीचर में सारे टीचर्स लिस्ट आप देख सकते हैं, ये हमने 4 ऐड किए हुए हैं ऑलरेडी। अब स्टूडेंट नेक्स्ट है प्रमोट स्टूडेंट। अगर आपको एक कोर्स से दूसरे कोर्स में स्टूडेंट को प्रमोट करना है या एक बैच से दूसरे बैच में प्रमोट करना है तो सबसे पहले स्टूडेंट को सर्च कीजिए एंड देन प्रमोट करके उनके लिए कोई दूसरा कोर्स सिलेक्ट कीजिए और प्रमोट। तो इजीली आप यहां से प्रमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिपोर्ट। और रिपोर्ट में दो तरह की रिपोर्ट आप जनरेट कर सकते हैं, एक टोटल स्टूडेंट रिपोर्ट और दूसरी अटेंडेंस रिपोर्ट। टोटल स्टूडेंट रिपोर्ट में आप जैसे चाहे रिपोर्ट ले सकते हैं, आपको कोर्स वाइज चाहिए, आपको पर्टिकुलर बैच की ही रिपोर्ट चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे एडमिशन डेट से भी आप रिपोर्ट ले सकते हैं, यहाँ पे डेट रेंज भी दिया गया है, तो जैसे चाहे आप रिपोर्ट यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अटेंडेंस रिपोर्ट, आप अटेंडेंस रिपोर्ट क्लास वाइज कोर्स वाइज ले सकते हैं। यहाँ पे डेट रेंज भी दिया गया है, इस डेट से इस डेट तक आपको अटेंडेंस रिपोर्ट चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं। अब हमने स्टूडेंट ऐड कर लिए हैं तो हम सारे फीचर्स इसके यूज कर सकते हैं। सो फर्स्ट है SMS मॉड्यूल। यहाँ पे सबसे पहले आप अपना SMS टाइप कीजिए। देन अपना यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कीजिए, द इंस्टीट्यूट नेम। यहाँ पे सारे आपके कोर्सेज आ जाएंगे। सपोज आपको सारे किसी एक ही कोर्स को करना है, कोर्स के स्टूडेंट को करना है तो वो कोर्स आप सिलेक्ट कर लेंगे। उस कोर्स में जितने भी स्टूडेंट होंगे वो सबको SMS चला जाएगा। सपोज आपको सारे स्टूडेंट को करना है तो आप ऑल कर लीजिए। तो मुझे ये करना है टैली के स्टूडेंट को और इसमें भी मॉर्निंग बैच को। अब यहाँ पर दिया गया है स्टूडेंट्स और टीचर, तो ये जो SMS आपने टाइप किया है क्या ये स्टूडेंट के लिए है या टीचर के लिए भी। अगर टीचर को भी भेजना चाहते हैं तो टिक कर लीजिए, अदरवाइज अनटिक कर लीजिए एंड प्रीव्यू SMS लिस्ट। तो इस कोर्स और बैच में हमारा एक ही स्टूडेंट है, हम दूसरा कोर्स देख लेते हैं। यहाँ पे इस कोर्स में हमने दो बैच सिलेक्ट किए हैं और दोनों बैच में टोटल मिला के 6 स्टूडेंट हैं। तो अगर आप चाहें किसी को नहीं भेजना तो अनटिक कर लीजिए, अदरवाइज सेंड SMS पे क्लिक कर लीजिए, ये SMS सबको चला जाएगा। नेक्स्ट है ईमेल। सेम प्रोसेस है, आपको सब्जेक्ट टाइप करना है, अपना ईमेल टाइप करना है, कोई फाइल अटैच करनी हो तो वो भी कर सकते हैं और अपना इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करना है, कोर्स सिलेक्ट करना है एंड देन बैच सिलेक्ट करना है एंड प्रीव्यू ईमेल लिस्ट। तो क्योंकि हमने यहाँ पे स्टाफ को भी सिलेक्ट किया है तो सबसे फर्स्ट हमें स्टाफ की डिटेल दिख रही है और उसके बाद स्टूडेंट। तो इस कोर्स में जितने भी स्टूडेंट थे वो आगे लिस्ट यहाँ पे आप सेंड ईमेल पे क्लिक करके उन्हें ईमेल भेज सकते हैं। तो कितना इजी है SMS और ईमेल भेजना। नेक्स्ट है वॉइस SMS। सेम प्रोसेस है, आपको अपनी ऑडियो फाइल यहाँ पे अटैच करनी है और अपना कोर्स बैच सिलेक्ट करना है।
एंड देन प्रीव्यू वॉइस लिस्ट। तो ये अभी एसएमएस नहीं जाएगा क्योंकि मैंने फाइल अटैच नहीं करी है। नेक्स्ट है अटेंडेंस मॉड्यूल। तो आप डेली यहाँ से अटेंडेंस ले सकते हैं। आपको अपना कोर्स सिलेक्ट करना है एंड देन बैच एंड डेट। तो इस कोर्स और इस बैच में जितने भी स्टूडेंट होंगे वो लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। आपको जस्ट जो भी अब्सेंट होता है उन्हें अनटिक करना है। तो सपोज पूजा आज अब्सेंट है, हम इन्हें अनटिक कर लेते हैं, और गीता भी आज अब्सेंट है, हम इन्हें भी अनटिक कर लेते हैं एंड देन सेव। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जिन्हें हमने अब्सेंट किया था यहाँ पे केवल उन्हीं की डिटेल आ रही है। तो आप उन्हें बाय डिफॉल्ट एक एसएमएस भेज सकते हैं, अब्सेंट एसएमएस, जस्ट सेंड एसएमएस पे क्लिक करके। डॉक्यूमेंट्स, तो जो भी आप भेजना चाह रहे हैं यहाँ पे कैटेगरी दी गई है, इवेंट, न्यूज, असाइनमेंट, फीचर्स। टाइटल टाइप कीजिए, डिस्क्रिप्शन, फाइल अटैच कीजिए एंड अपना कोर्स बैच सिलेक्ट करके SMS और ईमेल यहाँ से आप भेज सकते हैं। नेक्स्ट है बस रूट। तो जब हमने एडमिशन टाइम पे हमने देखा था एडमिशन फॉर्म में बस रूट हमने जो ऐड किए हैं वो आ रहे थे रूट वन एंड रूट टू, तो ये वही है। आपको अपने बस रूट की एंट्री करनी है तो यहाँ से करेंगे। यहाँ पे रूट नंबर दे देंगे, कवर्ड एरिया, कौन कौन से एरिया कवर्ड हो रहे हैं, बस का नंबर, ड्राइवर का कॉन्टेक्ट नंबर एंड उनका नेम, बस स्टॉप के नेम। आपको और भी बस स्टॉप ऐड करने हैं आप ऐड कर सकते हैं एंड देन सेव। उसके बाद आप इजीली यहाँ से बस असाइन भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अपना सपोज सारे स्टूडेंट को करना है तो सर्च कीजिए डायरेक्ट। तो ये 21 स्टूडेंट हमारे इस अकाउंट में भी हैं, जो सारी लिस्ट यहाँ पे आ गई है। अब हम वन बाई वन सबके लिए बस रूट चूज़ करेंगे, उनका बस स्टॉप चूज़ करेंगे। तो ये हम इजीली यहीं से असाइन कर सकते हैं स्टूडेंट लिस्ट। तो अगर हमें किसी पर्टिकुलर रूट के ही स्टूडेंट को सर्च करना है तो यहाँ पे भी ऑप्शन है। रूट सपोज रूट वन के स्टूडेंट को हमें देखना है, सर्च किया 3 स्टूडेंट, तो ये तीनों हमें रूट वन पे असाइन किए गए हैं। अगर हमें इन्हीं स्टूडेंट को SMS करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। सपोज कोई रूट वन आज लेट है, आपको उन्हें उनके पेरेंट्स को नोटिफाई करना है, तो आप यहीं से इजीली SMS कर सकते हैं। इसके बाद है आई कार्ड। एक क्लिक में आप आई कार्ड जनरेट कर सकते हैं। ये देखिए सारे स्टूडेंट के आई कार्ड यहाँ पे जनरेट हो गए हैं। यहाँ पे दो फॉर्मेट दिए गए हैं, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। तो किस लेआउट में आपको ये चाहिए वो भी ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं और इन्हें PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमने सिग्नेचर भी अटैच किया है, तो वो सिग्नेचर हम ऐड करेंगे यहाँ से, ऐड एडिट प्रिंसिपल सिग्नेचर। तो यहाँ से आप अपने सिग्नेचर अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद है सर्च। तो आप अपने स्टूडेंट को सर्च यहाँ से कर सकते हैं। एडवांस सर्च पे क्लिक कीजिए, आपको अपने स्टूडेंट देखने हैं कोर्स वाइज या बैच वाइज, वो भी आप देख सकते हैं। अगर आपने अपने स्टूडेंट डिलीट किए हैं तो आप डिलीटेड स्टूडेंट भी सर्च कर सकते हैं। तो हमने नहीं किए हैं इसलिए नहीं आए हैं। नेक्स्ट है टेस्ट मार्क्स नोटिफिकेशन। अगर आप टेस्ट लेते हैं वीकली या मंथली तो आप उनके मार्क्स उन्हें SMS भी कर सकते हैं। तो ये डिटेल आ गई है स्टूडेंट की इस कोर्स के। इवनिंग बैच के ये स्टूडेंट हैं। यहाँ पे साइड में डेमो दिया गया है, आप देख लीजिए। आपको यहाँ पे स्टार टेस्ट लिखना है, मैसेज बॉक्स में उनके मार्क्स लिखने हैं एंड एंड टेस्ट में लिखना है आउट ऑफ जो भी वो नंबर होगा। तो उन्हें जैसे सेंड नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे SMS भी चला जाएगा एंड ईमेल भी चला जाएगा। नेक्स्ट है फीस रिमाइंडर। इजीली फीस रिमाइंडर आप यहाँ से भेज सकते हैं। सपोज मुझे DCA के स्टूडेंट को भेजना है, मॉर्निंग बैच के स्टूडेंट को मैंने सिलेक्ट किया, सर्च किया, यहाँ पे उनका टोटल स्टार्टेस लिखा, टोटल अमाउंट जो भी उनका ड्यू अमाउंट है एंड एंटेस ड्यू डेट। ड्यू डेट इज तो साइड में डेमो दिया गया है, आपको सेम ऐसे ही करना है और सेंड रिमाइंडर नोटिफिकेशन।
तो इजीली आप फीस रिमाइंडर भी भेज सकते हैं। सारे फीचर्स हमने देख लिए हैं, अब हम देखते हैं कि हम फ्री में क्या यूज़ कर सकते हैं। तो हम एक तो कोर्स अपने ऐड कर सकते हैं, बैच क्रिएट कर सकते हैं, स्टूडेंट एडमिशन कर सकते हैं और उन्हें कोर्स एंड बैच असाइन कर सकते हैं। इजीली स्टूडेंट को मैनेज कर सकते हैं, टीचर अपने ऐड कर सकते हैं, स्टूडेंट को एक कोर्स से दूसरे कोर्स में प्रमोट कर सकते हैं। रिपोर्ट आप यहाँ पे अटेंडेंस रिपोर्ट और स्टूडेंट रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद आप बस रूट से भी स्टूडेंट को मैनेज कर सकते हैं, आई कार्ड भी जनरेट कर सकते हैं और डेली अटेंडेंस भी ले सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं और शायद एक स्कूल में और इंस्टीट्यूट में काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है ये चीज़ें हैं, तो ये आपके लिए फ्री भी काफ़ी यूज़फुल रहेगा। लेकिन अगर आपको SMS भेजना है, ईमेल भेजना है, वॉइस SMS भेजना है, आप चाहते हैं आप अटेंडेंस लें और जो भी स्टूडेंट अब्सेंट हो उन्हें अब्सेंट का एक नोटिफिकेशन भी चला जाए, आपको असाइनमेंट भेजने हैं, डॉक्यूमेंट भेजने हैं, आपको बस रूट से भी स्टूडेंट को मैनेज करना है, बस रूट से स्टूडेंट को SMS करना है, आप टेस्ट के मार्क्स उन्हें नोटिफिकेशन भेजना चाहते हैं, फीस रिमाइंडर भेजना चाहते हैं, या जब भी आपका स्टूडेंट एडमिशन हो आप एडमिशन सक्सेसफुल का भी SMS भेजना चाहते हैं, आप अपने टीचर को भी नोटिफिकेशन भेजना चाहते हैं, मैसेज भेजना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको SMS पैकेज की ज़रूरत होगी। तो SMS पैकेज परचेज करने के लिए आप शॉप नाउ आइकन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे हमारे पैकेज डिटेल दी गई है, आपको जो भी पैकेज लेना है उस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे डिटेल आ रहा है, प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कीजिए और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग कैसे भी आप यहाँ ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा सॉफ्टवेयर, आई होप आप सभी को ये पसंद आएगा। थैंक यू।